हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 3 ईयर बेबी गर्ल के लिए अंगरखा कुर्ती विद प्लाजो सेट का डिजाइन लेकर आए हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुर्ती के लिए 1 मीटर रिंकल रियॉन फैब्रिक और प्लाजो के लिए प्लेन रियॉन फैब्रिक 1 मीटर है। तो अब पहले कुर्ती की कटिंग करते हैं। पहले इसमें बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए कपड़े को एक साइड से सेंटर से फोल्ड करेंगे। नीचे से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके कपड़े को पहले सीधा करें। अब यहाँ से चोली की लेंथ रखेंगे 9 इंच और 1 इंच मार्जिन सीम अलाउंस के लिए ऐड करेंगे, तो यहाँ से 10 इंच की लेंथ लेंगे। आर्म होल लेंथ के लिए 5 इंच पे ही निशान लगाएं। सेंटर से शोल्डर की विड्थ लेंगे 4.5 इंच। बेबी की चेस्ट का साइज है इसमें 20.5 इंच, जिसका 1/4 हुआ 5.5 इंच। सेंटर से 5.5 इंच पे निशान लगाएं। साइड से 1/2 इंच मार्जिन सीम अलाउंस के लिए ऐड करेंगे। यहाँ पे आर्म होल का शेप दे। नेक की विड्थ लेंगे सेंटर से 2.5 इंच और डेप्थ के लिए 1/4 इंच पे निशान लगाएं। अब यहां से यहां तक राउंड शेप देंगे। सेम निशान पर कट करेंगे। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट के लिए कपड़े की 2 लेयर लेंगे। अब इसके ऊपर बैक पार्ट को प्लेस करेंगे, तो पहले बैक पार्ट के सेंटर पे एक स्मॉल कट लगाएंगे। अब सेंटर से बैक पार्ट को ओपन करेंगे और इसके ऊपर प्लेस करेंगे। एक साइड के शोल्डर से सेम निशान पर कट कर लेंगे। शोल्डर का जो कट आया है यहाँ पे ऐसे पहले निशान लगा देंगे। अब बैक पार्ट को हटाएंगे, इस साइड से 1/4 इंच ऊपर के लिए एक निशान लगाएंगे। अब स्केल की हेल्प से इस निशान को यहां से क्रॉस में मिला देंगे। इस तरह पहले एक सीधा निशान लगाएंगे, अब इसमें हल्की सी गुलाई देते हुए हल्का सा वी शेप देंगे। अब इसे कट कर देंगे। अब एक लेयर को पहले हटाएंगे और साइड से 3 इंच की विड्थ पे निशान लगाएंगे और यहां से कट कर लेंगे। तो देखिए ये पैटर्न हमारा इस तरह से कुछ तैयार होगा और ये वाला हिस्सा इसके ऊपर इस तरह से आएगा। अब स्लीव्स कट करेंगे। स्लीव्स के लिए फैब्रिक का एक पीस ले और इसे सेंटर से पहले फोल्ड करें, फिर इसे एक बार और फोल्ड करें। स्लीव्स की लेंथ रखेंगे 9 इंच और 1 इंच मार्जिन सीम अलाउंस के लिए ऐड करेंगे। ऊपर से एक निशान 3 इंच पे लगाएंगे। अब यहां से कुछ इस तरह शेप दे देंगे, इस निशान पर कट कर देंगे। सेंटर से स्लीव को अलग करेंगे। देखिए इस तरह हमारे पास 2 स्लीव्स निकल आई हैं। अब इसमें नीचे के लेयर निकालेंगे। स्लीव्स के लिए कपड़े को जैसे फोल्ड करके रखा था, सेम वैसे ही मैंने घेर के लिए भी कपड़े को फोल्ड करके रखा है। ड्रेस की फुल लेंथ लेंगे 23 इंच और इसको चोली के साथ अटैच करेंगे, तो पहले ऊपर से 1/2 इंच का मार्जिन सीम अलाउंस के लिए ऐड करेंगे। अब इस निशान से चोली की लेंथ ली थी 9 इंच, तो मेजरिंग टेप को इस तरह 9 इंच की लेंथ तक निकाल देंगे और यहां से 23 इंच की लेंथ मेजर करेंगे। और नीचे से मैंने 2 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा लिया है, तो इस तरह आप ड्रेस की लेंथ मेजर करेंगे। ये मार्जिन हमने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे पेपर पेस्टिक लगाएंगे, तो नीचे से फैब्रिक को फोल्ड करेंगे ऊपर के लिए,
तो इसलिए 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। अब पेपर पेस्टिक की कुछ स्ट्रिप्स कट कर लेंगे और इसकी विड्थ मैंने 1.5 इंच रखी है। एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था 2 इंच, तो नीचे से 2 इंच पे इस तरह निशान लगाएंगे और इस निशान को बराबर करेंगे। और ये पेस्टिक जिस तरफ से शाइन कर रही है उस तरफ से कपड़े के ऊपर चिपकाएंगे, तो इस वाले हिस्से को इस तरह कपड़े के ऊपर रखेंगे। जहाँ से हमने 2 इंच का निशान लगाया है वहां से इस तरह नीचे से पूरे कपड़े में पेस्टिक को चिपका लिया है। अब ये मार्जिन इसके ऊपर फोल्ड करेंगे, तो पहले नीचे से कपड़े को लगभग 1/2 इंच अंदर के लिए फोल्ड करें, फिर जहां से हमने पेस्टिक चिपकाई है बिल्कुल वहां से फोल्ड करते हुए इस तरह इसको कवर कर देंगे, फिर साइड से सिलाई लगाते हुए ऊपर से स्टिच कर देंगे। और इस तरह फोल्ड करते हुए नीचे से सिलाई को लॉक करते हुए साइड से भी इसको स्टिच कर देंगे। इस तरह से हमारा घेर पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसकी चोली स्टिच करेंगे। चोली की स्टिचिंग करने से पहले इस तरीके की डोरी पाइपिंग और ये डोरी बना लेंगे। डोरी हम मेन फैब्रिक से बनाएंगे और डोरी पाइपिंग प्लाजो के लिए जो फैब्रिक लिया था उससे बनाएंगे। डोरी पाइपिंग और ये डोरी दोनों मैंने आपको पहले वीडियो में बनाना बताया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और आई बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसका वीडियो आपको मिल जाएगा, वहां से चेक करके आप इसे बनाना सीख सकते हैं। तो चलिए अब चोली तैयार कर लेते हैं। बैक पार्ट को नीचे रखें और इसका सीधा साइड अपनी तरफ रखें, फिर इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को उल्टा रखें। फिर 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए शोल्डर को अटैच करेंगे। अब पहले इसे सीधा करें। अब साइड से पाइपिंग डोरी को लगाते हुए फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और जब इस पाइपिंग डोरी को स्टिच करेंगे तो साथ ही हमने जो डोरी बनाई थी उसे भी अटैच करेंगे। तो इनको मैंने 4 कट किया था, इसमें से पहले 2 डोरी को लेंगे और देखिए एक साइड हमने 3 इंच का गैप लेते हुए कट किया था, तो इस वाली डोरी को यहाँ पे स्टिच करेंगे। तो एक डोरी को पहले ऊपर की तरफ रखेंगे और दूसरी डोरी को नीचे से थोड़ा सा गैप लेते हुए इस तरह रखेंगे। अब इस पाइपिंग डोरी में जो डोरी वाला साइड है इस साइड को यहां से इस तरह प्लेस करेंगे। जब इस पाइपिंग डोरी को अटैच करेंगे तो साथ में ही ये डोरी भी अटैच हो जाएगी। और जैसे हमने कटिंग करी है बिल्कुल उसी की शेप में इस पाइपिंग डोरी को ऐसे रखते जाएंगे। फिर डोरी बनाते हुए जो सिलाई लगाई थी बिल्कुल उसी के ऊपर सिलाई लगाते हुए पूरे पे डोरी को स्टिच कर देंगे। देखिए हमने यहाँ पे सिलाई लगाई थी तो बिल्कुल इसी के ऊपर सिलाई लगाते हुए पूरी डोरी अटैच कर दी है। और जब हम इसको अंदर के लिए फोल्ड करेंगे तो ऊपर से प्रेस कर देंगे जिससे ये डोरी बिल्कुल अपनी जगह पर सेट हो जाएगी। अब मैं इसे आपको सेट करके दिखाती हूँ। जिस तरफ हमने डोरी लगाई है उस हिस्से को ऊपर की तरफ रखेंगे। जब इसके ऊपर प्रेस करेंगे तो ये पाइपिंग डोरी अपनी जगह पर सेट हो जाएगी और इसमें नीचे से हैमिंग कर देंगे जिससे ये पाइपिंग डोरी ऊपर के लिए नहीं उठेगी। और सेम ऐसे ही स्लीव्स में भी नीचे से पाइपिंग डोरी को अटैच कर लेंगे। अब पहले चोली को ऐसे खोलते हुए सीधा रखेंगे। अब इसके ऊपर एक स्लीव को ऐसे उल्टा रखेंगे और साइड से बराबर मिलाते हुए और बराबर मिलाते जाएंगे, फिर साइड से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्लीव्स को अटैच कर देंगे।
और जैसे हमने ये स्लीव्स को अटैच किया है सेम वैसे ही इसकी दूसरी स्लीव्स को भी अटैच कर देंगे। अब पहले चोली को उल्टा करेंगे। डोरी वाले हिस्से को ऊपर रखेंगे तो इसको नीचे के लिए पहले कर देंगे और दूसरे हिस्से को इसके ऊपर इस तरह अंदर के लिए दबा देंगे। अब देखिए डोरी वाला हिस्सा हमारा इस तरफ आया है, तो जब इसको साइड से स्टिच करेंगे तो इसके साथ ही दो डोरी जो हमने और बनाई थी इसको भी अटैच कर देंगे। तो इन दोनों डोरियों को जैसे हमने यहाँ पे डोरी अटैच की है बिल्कुल उसी के सामने इस तरह रखेंगे, बिल्कुल बराबर से ही रखते हुए इस तरह प्लेस करेंगे और फिर इसके ऊपर इस हिस्से को ऐसे रख देंगे। फिर स्लीव्स की तरफ से सिलाई को लॉक करते हुए हाफ इंच का मार्जिन लेके इसको स्टिच कर देंगे और इस वाले हिस्से को इस तरफ स्टिच कर देंगे। अब पहले चोली को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद बराबर सेट करेंगे और देखिए इस वाले हिस्से को हमने एक साइड अटैच कर दिया था, तो ये वाला हिस्सा नीचे से इसके साथ स्टिच कर देंगे जिससे घेर को अटैच करने में आसानी होगी। तो पहले इसे बराबर सेट कर लेंगे और फ्रंट पार्ट के साथ ही नीचे से इसको इस तरह अटैच कर देंगे। अब जितनी इसकी ये विड्थ है बिल्कुल इसी विड्थ के बराबर इसके घेर में हम नॉर्मल प्लेट्स डालते हुए इसको भी तैयार कर लेंगे। तो नॉर्मल प्लेट्स हम इस तरह डालते हैं, तो ऐसे प्लेट्स डालते हुए इसी के विड्थ के बराबर इसे तैयार करेंगे। और देखिए मैंने नॉर्मल प्लेट्स को डालते हुए इसी की विड्थ के बराबर घेर को तैयार कर लिया है। अब पहले घेर को उल्टा करेंगे और चोली को भी उल्टा कर लेंगे। दोनों पार्ट्स को जब उल्टा कर लेंगे तो इन दोनों हिस्सों को ऐसे बराबर मिलाएंगे। ऐसे बराबर मिलाते हुए हाफ इंच का मार्जर लेके पूरे राउंड में इसको स्टिच कर देंगे और घेर को अटैच करने में जो जॉइंट आया था उसे हम बैक साइड पे कर देंगे। अब मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। इस तरीके से हमारा ये पैटर्न तैयार हो जाएगा। अब इसमें हम लटकन लगाएंगे। लटकन बनाने के लिए पहले एक पिक्चर का शेप पेपर पर ड्रॉ करेंगे। आप ऐसे कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं और इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद जो हमने पाइपिंग लगाई थी उसी के सेम फैब्रिक से दो छोटे ऐसे पीस ले लेंगे। फिर उसके ऊपर इस पिक्चर को ऐसे रखेंगे और साइड से चॉक की हेल्प से इसी का शेप दे देंगे। अब इसमें एक साइड से सिलाई लगाएंगे, तो इस तरफ से पहले सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और सिर्फ इतनी ही पहले सिलाई लगाएंगे। देखिए यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट किया, यहाँ पे सिलाई को पहले लॉक कर देंगे, फिर इस तरह से उसी शेप में सिर्फ यहाँ तक ही सिलाई लगाइए। अब जिसमें हमें ये लटकन लगाना है उस डोरी में पहले ऊपर से एक नॉट लगा लेंगे, फिर इस डोरी को यहाँ से इस तरह रखेंगे। जो नॉट वाला हिस्सा है वो बाहर की तरफ निकालते हुए और फिर इसके ऊपर इस वाले पीस को ऐसे रख देंगे, जिससे अब हम जब सिलाई लगाएंगे तो इस डोरी के ऊपर से ही सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे सिलाई को पूरा कर दिया है। अब सिलाई के बाहर से लगभग सिंगल फुट का मार्जिन लेते हुए फैब्रिक को कट कर लेंगे। इस तरफ भी लगभग हाफ इंच का मार्जिन ही रखेंगे और बाकी का एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है उसे कट कर देंगे। अब यहाँ पे स्मॉल कट लगाएंगे।
अब इसे सीधा कर लेंगे। अब इसके अंदर फिल करने के लिए थोड़ी सी पॉलिएस्टर लेंगे। सिर्फ यहां तक ही फिल करेंगे। अब ऊपर से कपड़े को जितना हमने मार्जिन लिया था 1/2 इंच का, उतना मार्जिन लेते हुए अंदर के लिए ऐसे फोल्ड कर देंगे। फिर साइड से ओवरलॉक कर देंगे और जहां तक हमने पॉलिएस्टर फिल करी थी वहां से इसको ऐसे मोड़ देंगे और यहाँ पे धागे को बाइंड कर देंगे। फिर ऐसे मोती लेंगे और इससे हम आइस बना देंगे। और देखिए ऐसे ही चारों डोरी में लटकन बना लेंगे। अब आमने सामने डोरी को बांध देंगे। अब इसका प्लाजो बनाएंगे। प्लाजो के लिए पहले कपड़े को सेंटर से फोल्ड करें, फिर इसे एक बार और फोल्ड करें। सबसे पहले नीचे से कपड़े को फोल्ड करने के लिए 1.5 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा लेंगे। अब इस निशान से प्लाजो की लेंथ लेंगे, इसमें 19 इंच। और इसमें 1 इंच की इलास्टिक डालेंगे, तो यहां से 1.5 इंच मार्जिन फैब्रिक को फोल्ड करने के लिए लेंगे। इस प्लाजो को हम कमर की साइज से बनाएंगे, तो बेबी की कमर का साइज है इसमें 20 इंच, जिसका 1/4 हुआ 5 इंच, तो सेंटर से 5 इंच पे निशान लगाएं। और यहाँ से 2 इंच के इसमें लूजिंग देंगे और 1/2 इंच मार्जिन सीम अलाउंस के लिए ऐड करेंगे, तो टोटल हो गया 2.5 इंच, तो इस निशान से 2.5 इंच पे निशान लगाएं। यहाँ से इसकी टोटल विड्थ हो गई 7.5 इंच, तो क्रॉच लेंथ के लिए भी इस निशान से 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने इसकी टोटल विड्थ ली थी 7.5 इंच, तो यहां से भी 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को बराबर कर देंगे। इस निशान से आगे के लिए 1.5 इंच पे निशान लगाएं। यहाँ पे हल्का सा राउंड शेप दें। यहां से इसकी टोटल विड्थ मेजर कर लेंगे। यार ये टोटल 9 इंच, नीचे से भी 9 इंच पे निशान लगाएंगे। इस निशान को बराबर कर देंगे। अब सेम निशान पर कट कर देंगे। फैब्रिक को फोल्ड करने के लिए मार्जिन लिया था, यहाँ पे स्मॉल कट लगाएंगे। प्लाजो की कटिंग मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दी है और इसके स्टिचिंग मैंने ऑलरेडी आपको बहुत सारी वीडियो में बताया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से चेक करके आप इसके स्टिचिंग करना सीख सकते हैं। अभी मैं आपको इसको स्टिच करके दिखाती हूँ। अब मैंने प्लाजो को पूरा स्टिच कर लिया है और ये प्लाजो बिल्कुल फिटिंग का बना है। 3 ईयर बेबी के ये प्लाजो कुर्ती बिल्कुल फिटिंग में आएगी, तो आप भी इसे एक बार जरूर ट्राई करिएगा। और अगर आपको आज का ये डिजाइन पसंद आया हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप ये डिजाइन बड़े साइज में सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसका सेम डिजाइन मैं अपने दूसरे चैनल मिनी क्लासिक ट्यूटोरियल पर आपके साथ जरूर शेयर करूंगी,
उसके लिए आप मेरे दूसरे चैनल मिनी क्लासेस ट्यूटोरियल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसपे आपको नए नए ड्रेसेस के डिजाइन सीखने को मिलते रहेंगे। और अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट डिजाइन के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।